फाइंड द एरर इन फॉलोइंग सेगमेंट्स, आगे के सेगमेंट्स हैं उनमें गलती ढूंढनी है, त्रुटि ढूंढनी है, एरर ढूंढनी है। ये एक स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इंट जी कर्ली ब्रेस पेरेंथेसिस में वॉइड कर्ली ब्रेसेस प्रिंट परसेंटेजेस इनसाइड फंक्शन जी इंट एच, फिर कुछ प्रिंट कर रहे हैं और कर्ली ब्रेसेस ऑफ, इसमें क्या गलती है? तो इसमें दो गलतियां हैं या कहें तीन गलतियां हैं। तो पहली गलती है जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, दोनों प्रिंट स्टेटमेंट हैं, दोनों में हम कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज एस दे रहे हैं जो स्ट्रिंग के लिए होता है, लेकिन आगे जो स्ट्रिंग दे रहे हैं उसमें स्टार्टिंग कोटेशन मार्क नहीं है, दोनों जगह ही नहीं है। और बाकी गलती है जो फंक्शन एच है वो फंक्शन जी के अंदर लिखा गया है, यदि जी के अंदर लिख देंगे तो ये इनर स्कोप में आ जाएगा, ये फाइल स्कोप का नहीं रहेगा, जबकि फंक्शन स्कोप फाइल स्कोप में रहते हैं, इसलिए ये जी के अंदर हमें नहीं लिखना चाहिए। इसको कैसे सुधारें? तो इसको कोटेशन मार्क लगा देते हैं और इस फंक्शन को बाहर डाल देते हैं, सुधर जाएगा, और इसको इस तरह से लिख देंगे, ये कोटेशन मार्क लगा दिया और फंक्शन को बाहर लिख दिया। इंट सम इंट एक्स कोमा इंट वाई इंट रिजल्ट रिजल्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती है कि रिजल्ट है वो कैलकुलेट तो किया लेकिन उसको रिटर्न नहीं किया, रिटर्न नहीं किया तो इस फंक्शन जो फंक्शन है उसमें जो डाटा उसका रिटर्न टाइप हमने इंट दिया उसका कोई मीनिंग नहीं रहा, और फंक्शन को कोई कहीं भी कॉल करेंगे तो वो कोई भी गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर सकता है। कैसे सुधारें? तो यहाँ रिजल्ट की जगह रिटर्न लिख के रिजल्ट इक्वल की जगह रिटर्न लिख देंगे। void f float a semicolon curly braces start float a print percentage of a, इसमें क्या गलती है? तो इसमें दो गलतियां हैं, एक तो यहाँ पर जब फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, इसकी बॉडी स्टार्ट होती है, उससे पहले सेमीकोलन आ गया है, यदि सेमीकोलन आ गया है यहाँ इसका मतलब ये बॉडी इस फंक्शन की नहीं रही। और दूसरा है जो इनपुट पैरामीटर ए है उसको हमने फिर से डिक्लेयर किया है जो हम नहीं कर सकते, कैसे सुधारें? तो सेमीकोलन हटा दिया जाए और जो डिक्लेरेशन है दोबारा फ्लोट का ए का वो भी हटा दिया जाए। इंट सम इंट एन इफ जीरो इक्वल्स टू एन रिटर्न जीरो एल्स एन प्लस सम, इसमें क्या गलती है? तो इसमें n इक्वल टू जीरो के लिए तो ये रिटर्न जीरो कर रहा है, लेकिन n इक्वल टू नॉन जीरो नहीं है उस केस में ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो उसमें हमें n प्लस सम n माइनस वन से पहले रिटर्न लिखना होगा। और कैसे सुधारेंगे? तो यहाँ रिटर्न लिख के सुधार देंगे। void product int a b c result printer percentages enter three integers and scan किया, then result equal to a star b star c print f result is percentage d result return result, इसमें क्या गलती है? तो इसमें ये return का के result नहीं आएगा क्योंकि जो function है वो void है। कैसे सुधारेंगे? ये statement return statement मिटा कर सुधार देंगे। double cube float क्यूब फ्लोट नंबर रिटर्न नंबर स्टार्ट नंबर स्टार्ट नंबर, इसमें क्या गलती है? तो इसमें ये गलती है कि हम एक जगह तो कह रहे हैं डबल क्यूब जब प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं, लेकिन जब फंक्शन की डेफिनेशन आती है वहाँ फंक्शन का रिटर्न टाइप मिसिंग है, वो नहीं लिखा। कैसे सुधारें? फंक्शन का रिटर्न टाइप डबल लिख दें जैसा प्रोटोटाइप में। int random number equal to srand, इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती यह है कि srand फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। कैसे सुधारें? srand की जगह का s हटा दें। double square equal double number return number start number, इसमें क्या गलती है? तो
तो इसमें नंबर का डिक्लेरेशन दो बार दोबारा किया है इनर स्कोप में, जो नहीं करना है कैसे सही करें, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं दोबारा डिक्लेरेशन को, सही हो जाएगा। int sum n 0 equals to n return 0 else return n plus sum n। इसमें क्या गलती है, तो इसमें कन्वर्जन नहीं हो रहा है, जो बेस केस है वो n equal to 0, लेकिन यदि n की वैल्यू 0 नहीं है तो ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है और n की वैल्यू को बिना चेंज किए हुए, तो वो वैल्यू कभी 0 नहीं होगी और इसको बेस केस कभी नहीं मिलेगा, ये बेस केस पर कन्वर्ज नहीं हो रहा और इन्फिनिटी लूप बन रहा है। कैसे सुधारें, तो सुधारने के लिए यहाँ जब रिकर्जिव कॉल कर रहे हैं वहाँ पर n की जगह n माइनस वन लिख देते हैं और ये सही हो जाता है। व्हाट डज द फॉलोइंग प्रोग्राम डू, नीचे का प्रोग्राम क्या कर रहा है, int main int c if c is equals to get chr not equal to uf main print c, तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, तो ये प्रोग्राम हम शुरू से समझते हैं। तो इंक्लूड किया है stdio.h फाइल, उसके बाद में हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया जिसमें सी को डिक्लेयर किया है जो करेक्टर इंटीजर है, और बाद में इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा है सी इज इक्वल्स टू गेट सी एच आर। ये गेट सी एच आर क्या करता है, तो गेट सी एच आर एक करेक्टर को रीड करता है, और यहाँ पर हमने लिखा सी इक्वल टू गेट सी एच आर, मतलब एक गेट सी एच आर है वो एक करेक्टर रीड करेगा और जो भी करेक्टर रीड करेगा उसकी वैल्यू सी को असाइन कर देगा, और उसको पूरे को हमने पैरेंथेसिस में बंद करके हमने लिखा है नॉट इक्वल टू यू एफ। यदि सी की वैल्यू यू एफ के इक्वल नहीं होती है, यू एफ क्या है, यू एफ एंड ऑफ फाइल करेक्टर है जो लिनक्स यूजर्स के लिए कंट्रोल डी है और विंडोज विजुअल सी काम में लेते हैं उनके लिए कंट्रोल जेड है या कंट्रोल सी है, तो कंट्रोल डी प्रेस नहीं करेंगे तब ये करेक्टर रीड करेगा, और यदि वो करेक्टर कंट्रोल डी नहीं है तो इसको ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा इफ के अंदर है, और ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये फिर से मेन फंक्शन को कॉल करेगा, और मेन फंक्शन को कॉल करने पर फिर से सी डिक्लेयर होगा नेम में और फिर सी की वैल्यू रीड करेगा और ये लूपिंग बन जाएगी। जब तक हम कंट्रोल डी नहीं देंगे तब तक ये लूप चलता रहेगा, जो ही हम कंट्रोल डी देंगे तो ये पहले सबसे लास्ट वाला एग्जीक्यूशन होगा, मतलब सबसे लास्ट में हमने जो करेक्टर दिया है वो प्रिंट होगा, उसके बाद में उससे पहला, और जो सबसे फर्स्ट करेक्टर हमने इनपुट में दिया था वो सबके लास्ट में प्रिंट होगा। तो इसका मतलब हम करेक्टर्स को लूप में रीड कर रहे हैं और लूप है वो ऑपोजिट चल रहा है। हम ये प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, प्रोग्राम कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो ये अपना प्रोग्राम है जिसमें मेन फंक्शन है, सी को डिक्लेयर किया है सी इक्वल्स टू गेट सी एच आर नॉट इक्वल टू यू एफ, मेन फंक्शन को फिर से कॉल किया, प्रिंट किया सी को, और प्रोग्राम का एंड हो गया। कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन करते हैं, रन किया, यहाँ पर हम ए बी सी डी एंटर, बी सी डी एंटर, 1 2 3 एंटर, कुछ करेक्टर्स एंटर, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, फिर से एंटर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए एस डी एफ नो चेंज, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करते ही सब कुछ ऑपोजिट ऑर्डर में, यहाँ पर हमने कंट्रोल डी प्रेस किया था एफ डी एस ए एफ डी एस, बाद में दो बार रिटर्न की, दो बार रिटर्न की, बाद में हैश एट द रेट और एक्सक्लेमेटरी साइन, बाद में 1 2 3 का 3 2 1, ए बी सी डी का डी सी बी ए, अपर केस वाला भी ऑपोजिट, और बाद में प्रॉम्प्ट आ गया है। व्हाट इज द प्रोग्राम फॉलोइंग प्रोग्राम डू, नीचे वाला प्रोग्राम क्या करेगा, तो इसको भी हम पूरा पूरे को समझते हैं। तो यहाँ प्रोग्राम में सबसे पहले एक फंक्शन है प्रोटोटाइप मिस्ट्री जो अनसाइन इंटीजर रिटर्न करेगा, मेन के अंदर
एक्स और वाई दो अनसाइंड इंटीजर डिक्लेयर किए हैं, उन दोनों को रीड किया है, मतलब प्रोग्राम सबसे पहले प्रिंट करेगा एंटर टू पॉजिटिव नंबर्स, फिर दो इंटीजर रीड करेगा अनसाइंड इंटीजर एक्स और वाई, और फिर द रिजल्ट इज, और फिर एक फंक्शन को कॉल कर रहा है उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट करना चाहेगा, मतलब एक फंक्शन को कॉल किया है मिस्ट्री नाम का फंक्शन है, उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू भेजेगा, और फंक्शन क्या कर रहा है तो फंक्शन के अंदर जो इनपुट पैरामीटर्स हैं वो वन है, यदि सेकंड पैरामीटर वन है तो ये फर्स्ट पैरामीटर को रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फर्स्ट पैरामीटर में उसी फंक्शन को फिर से कॉल करेगा और सेकंड पैरामीटर को एक कम करके इनपुट में देगा, इसका मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन ये प्रिंट कर रहा है, या हम कहते हैं बी ए को बी टाइम्स ऐड कर रहा है, यहां से देखें तो ए को बी टाइम्स ऐड कर रहा है। प्रोग्राम में देख लेते हैं, तो ये प्रोग्राम कॉपी कर दिया है, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, रन किया, दो इंटीजर दिए जैसे 3 and 5 दिया तो 15, हम 5 and 3 दें तो 3 को 5 बार जोड़े हैं, 5 को 3 बार जोड़े हैं, बात तो बराबर ही है, 10 and 15 दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, मतलब पहले नंबर को इतनी बार जोड़ रहे हैं जितनी बार दूसरा नंबर है।